31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मीटिंग हॉल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से धूम्रपान नहीं करने का अपील किया। उन्होंने बताया कि धूम्रपान की जद में पहले बुजुर्ग ही होते थे, लेकिन अब युवा पीढ़ी भी इसकी जद में आ चुकी है, जिससे सबसे बड़ी बीमारी कैंसर होने के खतरे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष तंबाकू उत्पादन के लिए भारत में 60 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। भारत में लगभग 28 करोड़ तंबाकू के उपयोगकर्ता हैं और सबसे ज्यादा धुआं रहित तंबाकू उत्पादों जैसे खैनी, तंबाकू के साथ पान सुपारी ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि युवा 10 साल की उम्र से पहले ही तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। तंबाकू को किसी तरह से समाप्त किया जाए ताकि इंसान को सेहतमंद रखा जा सके और साथ ही वातावरण को सुरक्षित रख सके। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी का सेवन ना करें। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ENT विभाग की डॉक्टर पंखुड़ी मित्तल ने बताया कि तंबाकू का सेवन करने से मुंह के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों को होने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करने वाले में 10 साल के ऊपर के मरीज आते हैं। उन्होंने बताया कि OPD में लगभग 10 से 15% कैंसर के मरीज आते हैं और इसके अलावा तंबाकू चबाने के कारण गाल के अंदर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। वैसे भी मरीज आते हैं जिनको पहले चेकअप करने से गंभीर कैंसर जैसी बीमारी होने से रोक सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की ENT विभाग की डॉक्टर पंखुड़ी मित्तल एवं एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने कहा। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है उसमें। जो टोबैको स्मोकिंग वाली है, अगर उसका प्रेवलेंस देखें, एज का रिडक्शन है। अगर यूथ में देखें, ये तो हमारे हो गए 15 साल के ऊपर वाले बच्चों में 15 से 5 में 38%। अब टोबैको यानी कि धुआं रहित तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो तंबाकू का स्मोकिंग और जो सेकंड हैंड स्मोकिंग होती है वो लगभग सालाना 1 साल में 12 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार होता है। और जो धुआं रहित तंबाकू है, जो स्मोकलेस तंबाकू है, वो लगभग 2.5 लाख लोगों का मौत का जिम्मेदार है। जो धुआं रहित तंबाकू होता है वो लगभग 90% मुख के कैंसर के कारण होता है। धुआं रहित जो हम तंबाकू चबाते हैं, गुटखा, 90% और लगभग सभी कैंसर का 30% 27 से 30% तंबाकू से जुड़ा हुआ। और इसकी हमारे समाज पर बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कॉस्ट होती है। और एक 2017 में आंकड़ा, उसके अकॉर्डिंग जो तंबाकू से होने वाली क्षति थी उसका बोझ लगभग 1700 करोड़ रुपए जांचा गया था। जैसे कि सर ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक क्लास 3 स्टेट है जिसमें तंबाकू यूजेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक 2020 का एक शोध है जिसमें पाया गया कि सबसे ज्यादा कैंसर तंबाकू से जुड़े हुए कैंसर उत्तर प्रदेश में पाए गए। केमिकल्स ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये केमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे शरीर में जाते हैं, अपने हमारा जो DNA होता है उससे जाके कंबाइन होते हैं, उसको डैमेज करते हैं और उसके बाद जो सेल एक रिपेयर करने की जो क्षमता होती है बॉडी की, जैसे चोट लगती है तो बॉडी रिपेयर करती है अपने आप, तो उस जो क्षमता होती है उसको वो डैमेज करते हैं। उससे क्या होता है कि सेल्स की अनगिनत अनियंत्रित एक बढ़ोतरी होती है और जो कैंसर का रूप लेते हैं। अभी स्मोकिंग के फॉर्म में हो या स्मोकलेस टोबैको जिसको धुआं रहित टोबैको बोलते हैं उसके फॉर्म में हो, या सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो जैसे कि मैंने बताया, या फिर ई सिगरेट जो वेस्ट में ज़्यादा होता है, इंडिया में अभी उतना प्रचलन नहीं है, उसके फॉर्म में। तो अक्सर लोग मानते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे शायद तंबाकू से सबसे ज़्यादा मुख के या फेफड़े के कैंसर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तंबाकू हमारे शरीर में कहीं का भी कैंसर करने में सक्षम रहता है, चाहे वो आंख का हो, खाने की नली इसोफेगस का हो, या ब्लड का कैंसर हो, लिवर, किडनी, ब्लैडर, हर तरीके का कैंसर तंबाकू से जुड़ा हो। मैं चाहूँगी जैसे मैंने अभी उसके बारे में बताया कि कैसे कैंसर होता है, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अब एक बार हमने शुरू कर दिया तो अब छोड़ने से क्या फायदा। अब कर सकते हैं, जैसे कि
मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया जिसको सफेद या लाल धब्बे बोलते हैं, या ओरल सेमीकोजल फाइब्रोसिस जिसमें मुंह के अंदर सफेद हैं, ये तस्वीरें हमारे जो ओपीडी में आए हुए पेशेंट्स हैं उन्हीं की हैं। बस यही बताना चाहते हैं कि ये सब बीमारी से बचने के लिए तंबाकू का सेवन स्पेशली मुंह के कैंसर के लिए बहुत कम करना बहुत हो जाती है, और जो ऑप्शंस होते हैं इलाज के वो भी काफी कम हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये रहता है कि एक परिवार में एक बुरी आदत की वजह से पूरा परिवार। मैं डॉक्टर पंखुड़ी मित्तल ENT विभाग में हूँ। हम लोग वर्ल्ड टोबैको डे मना रहे हैं 31 तारीख को, जिसके लिए हम लोग आज तंबाकू के बारे में बात कर रहे हैं, तंबाकू से होने वाले कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूपी में तो तंबाकू का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उससे जुड़े हुए कैंसर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसमें कि देखा गया है कि जो मुख के कैंसर हैं, फेफड़े के कैंसर हैं, और जो बाकी शरीर में होने वाले कैंसर हैं, उनका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। लगभग 90% मुख के कैंसर तंबाकू से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम तंबाकू का सेवन कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो 90% इन कैंसर को एकदम ही बंद किया रोका जा सकता है। तो इसलिए तंबाकू का सेवन करना बंद करना पड़ेगा। ओपीडी में हमारे पास लगभग 10-15% मरीज़ कैंसर के होते हैं, और उसके अलावा प्री कैंसरस लीजन्स के मरीज़ होते हैं, जिनको कि ल्यूकोप्लेकिया, जैसे कि गाल के अंदर जो सफ़ेद धब्बा होता है, जो कैंसर तंबाकू की वजह से होता है। तो ऐसे मरीज़ भी आ रहे हैं जिनको हम लोग अगर पहले से ही पकड़ लें तो कैंसर, गंभीर कैंसर बनने से रोक सकते हैं। आज के लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है, जिसके वजह से जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो वो लोग भी आ रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे मुंह में या फेफड़ों में कैंसर तो नहीं है। क्या उम्र होती है जो लोग जाते हैं? बहुत मरीज़ जो होते हैं वो यंग होते हैं, काफ़ी मरीज़ 20-30 साल की उम्र तक होते हैं, जिन्होंने 15-16 साल की उम्र में कैंसर का सेवन, तंबाकू का सेवन शुरू किया होता है। तो लगभग ये देखा गया है कि 10-15 साल की के सेवन के बाद अक्सर देखा गया है कि कैंसर बनना शुरू हो जाता है, और 4 या 5 साल के बाद ही जो प्री कैंसरस लीजन्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इतने लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं, अब वो आदमी जब बड़ा होगा 40-50 साल की एज तक पहुंचेगा, तो जो कैंसर बनने की संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार जो इस साल का जो थीम है, जैसे आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे कि हर वर्ष जो है 31 मई को धूम्रपान को प्रिवेंट करने का एक दिवस मनाया जाता है, और नो टोबैको डे बोलते हैं इसको। और इस दिन को हम लोग एक अवेयरनेस के तौर पे मानते हैं कि हम समाज में जितना हो सके उतनी अवेयरनेस क्रिएट करें। इस साल का जो थीम है वो है नो टोबैको, और टोबैको को प्रिवेंट करना है, साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात जो हम कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तंबाकू की इंडस्ट्री है पूरे देश में, ये कम से कम 60 करोड़ पेड़ों को काटा जाता है, जिसके जो कि हमारे तंबाकू के उत्पादन में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो ये 60 करोड़ पेड़ों का हर साल कटना कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट पे दुष्प्रभाव डालता है। तो इस बार का जो थीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि टोबैको को हमें किसी तरह से प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है टोबैको यूसेज, ताकि हम इंसान को भी सेहतमंद रख सकें और बीमारियां प्रिवेंट कर सकें, और साथ ही हम अपने एनवायरनमेंट को भी, वातावरण को भी सुरक्षित रख सकें। हाँ, ये हमारा एक अभी प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू करने वाले हैं शोध कार्य, जिसपे हम यहाँ का जो पानी का स्तर है, जिसमें आर्सेनिक का स्तर या जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनका स्तर की जांच करेंगे, और साथ ही साथ जहाँ पर ये पानी के स्तर में आर्सेनिक के या टॉक्सिक केमिकल्स के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से बढ़े हुए हैं, नॉर्मल से बढ़े हुए हैं अगर, तो जो लोग उस पानी को यूज़ कर रहे हैं या पी रहे हैं, उन लोगों के रक्त के नमूने लेंगे और उसमें भी जांच करेंगे कि ये उनके रक्त में कितना लेवल है आर्सेनिक का, टॉक्सिक केमिकल्स का, और उनकी सेहत पे उसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहा है। तो इसके ऊपर पहले शोध कार्य करेंगे, और फिर उसके बाद उसको कैसे हम लोग आगे प्रिवेंट कर सकें और क्या क्या हम लोग मेजर्स ले सकें, कंट्रोल कर सकें उसको, तो उसके बारे में फिर हम लोग उसको दूसरा शोध का कार्य रहेगा ये जी। इसके हर जो एक एक टेस्ट है वो काफ़ी महंगे हैं,
और हम आशा करते हैं कि हमें हमें सरकार से इसकी मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये इसी हमारी स्टेट का ही कार्य है और हमारे समाज के अच्छे के लिए और लोगों की सेहत के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम आर्सेनिक के से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करें और कैसे उनको सेहतमंद बनाएं। तो हम आशा कर रहे हैं कि हमें सरकार से भी साथ में मदद मिलेगी। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हमें उसमें भी फंड्स हैं, लेकिन सरकार से भी हम मदद की अपेक्षा रखते हैं इसके लिए। जनता से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे तंबाकू का जो सेवन है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट के रूप में है या कि खाने के रूप में है, चबाने के रूप में, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन बिल्कुल हमारी जीवन शैली में नहीं होना चाहिए। और आजकल जैसा देखा गया है कि बच्चों में इसकी जो तंबाकू सेवन करने की जो आदत है वो बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं हमें रोकने की ज़रूरत है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए समझाएँ और जहाँ तक हो सके इसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये काम हर फैमिली अपने घर से शुरू कर सकती है और जितने बड़े लोग जो उसे यूज़ कर रहे हैं उसको वो कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल करें। हमारे यहाँ डी एडिक्शन क्लिनिक है एक, या तो अपने आप अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी काउंसलर की मदद लें, किसी की हेल्प लें, ताकि आप इसकी रोकथाम कर सकें और अपने को स्वस्थ रख सकें।